हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द फोक इंडिया। हम सबसे पहले फोक डांसेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस को डिस्कस करेंगे, जो जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटी। सो नाटी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देवनाटी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस प्रैक्टिस्ड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिल्स इन द ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिल्स पे इस नाटी डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ प्राइमरीली डोनेटेड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ये डांस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाटी इज़ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवनी ड्रामा बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है ये फोक डांस, जिसका नाम है पांडवनी या फिर पंडावानी। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। सो पंडावानी मीन्स द पंडावनी दैट इज़ द पांडव कथा, यानी कि पांडव की जो कथा है, पांडव की जो कथा है इन द स्टोरी ऑफ महाभारत जो एपिक है, इसमें जो फाइव पांडव्स थे इनकी जो कथा है, इट इज़ बेसिकली टोल्ड थ्रू दिस डांस फॉर्म। इट इज़ अ काइंड ऑफ फोक डांस नेम्ड पंडावनी। सो तेजन बाई गेव अ फेम टू पंडावनी इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, नॉट ओनली इन अ कंट्री बट ऑल्सो इन अब्रॉड। तो अगर बात करें तेजन बाई की, सो शी बिलोंग्स टू द डांस फॉर्म ऑफ पंडावनी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो पंडावनी इज़ अ फोक बैलेट फॉर्म परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली इन छत्तीसगढ़। इट डिपेक्ट्स द स्टोरी ऑफ द पांडवास द लीडर्स इन द एपिक महाभारत। और अगर महाभारत की बात करें तो इट हैज़ बीन रिटन बाय वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। तो झारखंड स्टेट को बिलोंग करता है ये फोक डांस, जिसका नाम है पाइका। पाइका इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ झारखंड। पाइका डांस इज मेनली परफॉर्म बाय द मुंडा कम्युनिटी। तो बेसिकली जो मुंडा कम्युनिटी है झारखंड की, वो पाइका डांस को परफॉर्म करती है। पाइकाज वर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स who sacrificed their life for the safety of the kingdom. This dance form represents the great war of Munda community against the British. तो ब्रिटिशर्स वर्सेस मुंडा कम्युनिटी की वॉर को दिखाता है ये फोक डांस, जिसका नाम है पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम थुल्लल इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि केरला। तो केरला स्टेट को बिलोंग करता है ये फोक डांस, जिसका नाम है उत्तम थुल्लल। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी बाय द कुंजन नाम्बियर, वन ऑफ द प्राचीन कवित्थ्यारम, एंड इट मीन्स द थ्री फेमस मलयालम लैंग्वेज पोएट्स। तो देखिए, जो कुंजन नाम्बियर थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये डांस फॉर्म, जिसका नाम है उत्तम थुल्लल। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये थ्री फेमस मलयालम पोएट्स जिनको प्राचीन कवित्रायम कहते हैं, इनमें से एक हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा हम टॉप 100 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द फोक डांस भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो असम स्टेट में ये नागा डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। द फेमस नागालैंड डांस इज नागा वॉरियर डांस, ऑल्सो नोन एज द वॉर डांस। इट इज़ ट्रेडिशनल एंड हाईली सिम्बॉलिक डांस परफॉर्म बाय द नागा ट्राइब्स ऑफ नागालैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो बेसिकली नागालैंड में और इन द स्टेट ऑफ असम में ये नागा डांस को परफॉर्म किया जाता है, आपने ध्यान में रखना है, बाय द नागा ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चाउ गोटीपुआ नाचनी ओडिसी धाप एंड धालखाई बाघ नाच आर द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट।
राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा स्टेट को ये सारे डांस फॉर्म्स बिलोंग करती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, छाऊ, गोटीपुआ, नचनी, ओडिशी, धाप एंड थालखाई। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये आपने ध्यान में रखना है, अदर देन ओडिशी, बिकॉज ओडिशी इज अ काइंड ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमूरा होबजा नाई इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। तो असम स्टेट को बिलोंग करता है ये फोक डांस, इसका नाम है झुमूरा, सो होप जनई। सो झुमूरा होप जनई इट इज़ वन ऑफ द फेमस फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ असम। बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, काली गोपाल एंड बगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चोंगली, कैनोए एंड झुमूरा होप जनई, दीज आर द फोक डांसेस ऑफ द ट्राइब्स ऑफ असम। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृदा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का एक फेमस डांस फॉर्म है गृदा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो गृदा इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। वंस द विंटर सीजन्स राबी क्रॉप आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट, द विलेजर्स सेलिब्रेट इट बाय परफॉर्मिंग द गृदा डांस एंड सेलिब्रेटिंग देयर लेबर एंड हार्डवर्क। तो जब मध्य प्रदेश में राबी सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं वो तैयार हो जाती हैं फॉर हार्वेस्ट, उसके बाद जो विलेजर्स होते हैं वहाँ पर गृदा डांस फॉर्म को परफॉर्म करके इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दप्पू इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस फॉर्म है दप्पू डांस, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो दप्पू डांस इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस डांस फॉर्म इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ऐसा माना गया है कि दप्पू डांस ये तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये दप्पू डांस ओरिजिनेट हुआ है और आंध्र प्रदेश में फेमस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकुला एंड दादरा आर द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की फेमस डांस फॉर्म्स हैं चारकुला और दादरा। सो चारकुला इज़ अ डांस परफॉर्म्ड इन द ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज रीजन है यहाँ पर जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो है चारकुला। इन दिस डांस व्हील्ड वेमेन बैलेंसिंग लार्ज मल्टी टीयर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड्स ऑन देयर हेड्स डांस टू सॉन्ग्स अबाउट कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है ये डांस चारकुला, जो ब्रज जिन्हें परफॉर्म किया जाता है, जहां पर वेल्ड वेमेन यानी घूंघट डाले हुए जो वेमेन होती हैं मल्टी टीयर्ड सर्कुलर पिरामिड्स को कैरी करती हैं और इस डांस को परफॉर्म करती हैं चारकुला डांस को। एंड दादरा इट इज आल्सो अ फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म नैरेट्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम द टू इंडियन एपिक्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथकली। तो कथकली एक ऐसा इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है जो नैरेट करता है द इवेंट्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। सो विच आर द टू इम्पॉर्टेंट एपिक्स ऑफ द हिंदुइज्म। सो कथक इज़ वन ऑफ द एट मेजर डांस फॉर्म्स इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में कथक वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म है। इट इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या है ये क्लासिकल डांस फॉर्म? द ओरिजिन ऑफ कथक इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग बार्ड्स इन एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया नोन एज कथकर्स और स्टोरी टेलर्स। तो कथक डांस को परफॉर्म करने वालों को कथकर्स या फिर स्टोरी टेलर्स के नाम से जाना जाता था एंड अभी भी इनको जाना जाता है एज कथकर्स और द स्टोरी टेलर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म वॉज परफॉर्म्ड इन घरानाज एंड नॉट इन टेम्पल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक। तो कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको घरानाज में परफॉर्म किया जाता था और मंदिरों में परफॉर्म नहीं किया जाता था। सो कथक इज़ अ डिफ्यूज ट्रेडिशन ऑफ विच थ्री घरानाज यानी कि स्कूल्स आर मोर वेल नोन एंड स्टडीड, दे आर जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबल चोंगली इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ।
राइट आंसर जो है का ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। तो असम स्टेट को बिलोंग करता है ये फोक डांस फॉर्म जिसका नाम है तबल चोंगली। तबल चोंगली इज अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ असम। अदर पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट्स आर बिहू, खेल गोपाल, राष्ट्रीला, कैनोई एट्सेट्रा। तो देखिए असम के कुछ और इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जैसे बिहू, खेल गोपाल, रासलीला, कैनोई एट्सेट्रा। तो सो यू हैव टू कीप दीज ऑल्सो इन योर माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भांगड़ा। तो भांगड़ा की बात करें तो ये एक टाइप का फोक डांस है एंड नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म। और क्लासिकल और फोक डांस फॉर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो भांगड़ा अ फोक डांस एंड म्यूजिक ऑफ पंजाब। तो पंजाब के स्टेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है भांगड़ा एंड द पॉपुलर म्यूजिक जेनर दैट इमर्ज्ड इट फ्रॉम द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो मिड टू लेट ऑफ द 20th सेंचुरी के बीच में भांगड़ा डांस फॉर्म इवॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय कश्मीरी फीमेल डांसर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि रूफ। तो रूफ एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको कश्मीरी फीमेल डांसर्स परफॉर्म करती हैं। रूफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कश्मीरी फोक डांस एंड कश्मीरी फोक सॉन्ग परफॉर्म बाय कश्मीरी वेमेन और गर्ल्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो डिफरेंट ओकेजन्स में कश्मीरी वेमेन परफॉर्म करती हैं रूफ डांस फॉर्म को, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डांस फॉर्म प्रिवेल्स फ्रॉम राजस्थान अमंगस दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि घूमर। तो घूमर डांस के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा। इट इज़ बेसिकली परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो घूमर इज़ प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस इन इंडिया। दिस डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द भिल ट्राइब। तो इस डांस फॉर्म को कौन सी ट्राइब ने इंट्रोड्यूस किया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए सो योर आंसर विल बी भिल ट्राइब एंड लेटर अडॉप्टेड बाय द रॉयल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान इंक्लूडिंग राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन तरपा इज़ द फेमस ट्राइबल डांस ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली का एक इम्पॉर्टेंट और फेमस ट्राइबल डांस फॉर्म है जिसका नाम है तरपा, ये आपने ध्यान में रखना है। तरपा डांस इज़ वेरी पॉपुलर इन दादरा एंड नगर हवेली। इट इज़ प्राइमरीली अ ट्राइबल डांस। तो ये प्राइमरीली एक ट्राइबल डांस है। टिपिकली द डांस परफॉर्मेंसेज टेक प्लेस ऑन द मूनलाइट नाइट्स। तो मूनलाइट नाइट्स में ही इस डांस परफॉर्मेंस को होती है ऑफ तरपा। द डांसर्स इन तरपाकर एंड डांस पास्ट मिड नाइट अकम्पनीड बाय अ विंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज तरपा। तो यहाँ पर एक विंड इंस्ट्रूमेंट को भी यूज किया जाता है जिसको हम तरपा कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहू। तो बिहू एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है ऑफ द स्टेट ऑफ असम, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहिनी इज द फीमेल अवतार ऑफ विच हिंदू गॉड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु का एक फीमेल इनकारनेशन था मोहिनी अवतार, तो ये आपने ध्यान में रखना है। मोहिनी मीनिंग द इनचेंट्रेस इज अ फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। शी इज वर्शिप्ड इन वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मोहिनी जो फीमेल इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु की, इनको पूजा जाता है। शी इज ऑल्सो नोन एज महालाशा एंड शिबालिका। तो इन्हें सेलेस्टियल मेडन जिसका मतलब होता है शिवालिका एंड महालासा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लासिकल डांस फॉर्म डिपेक्ट्स रासलीला। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुरी। तो मणिपुरी डांस जो है, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है, ये रासलीला को डिपेक्ट करता है। इन द ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म ऑफ मणिपुर रासलीला इज डिपिक्टेड विद इन द मणिपुरी क्लासिकल डांस इंडियन डांस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण इज डिवाइन बिलव्ड। तो राधा एंड कृष्ण के अराउंड ये रासलीला डांस फॉर्म रिवॉल्व करता है एंड ये मणिपुरी जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इससे डिपिक्टेड है। मीन्स दीज आर समवट सिमिलर, हम ऐसा कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
बी यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्रिया, तो सत्रिया इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम, ये आपने ध्यान में रखना है। सत्रिया नृत्य इज अ मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। दिस डांस वॉज इनिशियली क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ भावना विच आर परफॉर्मेंसेज ऑफ अंकिया नाट वन एक्ट प्लेज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय शंकरादेव इन द 15th and 16th century पॉलीमेथ फ्रॉम असम। तो बेसिकली जो सत्रिया नृत्य था ऐसा माना जाता है कि इसको ये क्रिएट हुआ है फ्रॉम द भावना जो होती थी परफॉर्मेंसेज ऑफ अंकिया नाट, जो अंकिया नाट था उसकी जो परफॉर्मेंसेज होती थी उनको भावना कहा जाता था और इससे ही माना गया है कि सत्रिया नृत्य ओरिजिनेट हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो ये अंकिया नाट है इनको क्रिएट किया था शंकरा देव जी ने, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाऊ इज द डांस फॉर्म ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है चाऊ, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द टू डांस फॉर्म्स ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुचिपुड़ी एंड पुरा कथा। तो कुचिपुड़ी एंड पुरा कथा दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द हार्वेस्ट पीरियड। तो हार्वेस्ट पीरियड के टाइम पर जिस डांस फॉर्म को नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है वो है ऑप्शन बी यानी कि भांगड़ा। तो भांगड़ा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भांगड़ा वॉज मेनली डन बाय द पंजाबी फार्मर्स द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। इट वॉज मेनली परफॉर्म्ड व्हाइल फार्मर्स डिड द एग्रीकल्चरल चोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड विद स्टिक्स प्रिवेलिंग फ्रॉम गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डांडिया। तो डांडिया एक ऐसा फोक डांस है जिसको स्टिक्स की मदद से किया जाता है मेनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात। द डांस फॉर्म ऑफ डांडिया ऑल्सो नोन एज द स्टिक डांस इज वन ऑफ द गुजरात्स मोस्ट फेमस फोक डांसेस। दिस डांस फॉर्म डिपेक्ट्स अ मॉक बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर द डेमन किंग। तो देखिए बेसिकली जो डांडिया डांस फॉर्म है ये एक बैटल दिखाता है बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर के बीच में जो बैटल हुआ था उसको डिपेक्ट करता है जहां पर स्टिक्स की मदद से डांडिया खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन ओडिशा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशी। तो ओडिशी एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ था। ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड इट इज ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म वॉज डेवलप्ड बाय सिद्धेंद्र योगी फ्रॉम भाम कपालम डांस ड्रामा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी एक ऐसा डांस फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द भाम कपालम, एक डांस ड्रामा है जो सिद्धेंद्र योगी जी का है। तो इनके डांस ड्रामा से जो ये कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म है ये ओरिजिनेट हुआ है। सो कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन द 17th century विद द क्रिएशन बाय सिद्धेंद्र योगी ऑफ द डांस ड्रामा भाम कपालम। तो भाम कपालम से ये ओरिजिनेट हुआ है। अ स्टोरी ऑफ सत्य भामा द चार्म बट द जेलस वाइफ ऑफ गॉड कृष्णा। तो गॉड कृष्णा की एक चार्मिंग बट एक जेलस वाइफ थी जिनका नाम था सत्यभामा। तो इनके ऊपर बेस्ड है ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया द पुंग विच इज अ ड्रम इज एन इंटीग्रल पार्ट, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुरी। तो मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म का एक इंटीग्रल पार्ट हम कह सकते हैं पुंग को। ये एक इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पुंग और पुंज और ड्रम जिसका मतलब होता है ड्रम इज अ काइंड ऑफ डांस दैट बिलोंग्स टू मणिपुर। द पंग चोलम इज अ मणिपुरी डांस। इट इज द सोल ऑफ मणिपुरी संकीर्तन म्यूजिक एंड क्लासिकल मणिपुरी डांस। तो क्लासिकल मणिपुरी डांस का हम एक तरीके से सोल कह सकते हैं पंग को, या फिर पुंज डांस को, या फिर हम कह सकते हैं ड्रम डांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याहुला गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। तो इन द स्टेट ऑफ पंजाब में जो व्याहुला गिद्दा है इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। सो व्याहुला गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द मैरिजेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान। सो
विया हुला गिद्दा इज डांस्ड इन अ सर्कल द गर्ल्स फॉर्म अ रिंग वन ऑफ दैम यूज अ ढोलकी वाइल सिटिंग इन द सेंटर। तो देखिए विया हुला गिद्दा ये बेसिकली पंजाब स्टेट में किया जाता है जहाँ पर सेंटर पर एक वेमेन बैठती है विद अ ढोलकी एंड उनके अराउंड जो वेमेन होती हैं दे बेसिकली डांस इन अ रिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इसके एक ग्रेटेस्ट गुरु माने जाते हैं वेदांतम सत्यनारायण। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कुचिपुड़ी को बिलोंग करते हैं। सो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा पॉपुलरली नोन एज सत्यम वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर कंसिडर्ड बाई मैनी एज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया डांस विच इज वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज फ्रॉम विच स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं असम स्टेट को बिलोंग करता है सत्रिया डांस फॉर्म। सत्रिया डांस विच इज वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द असम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि घूमरा। तो घूमरा एक काइंड का क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज अ काइंड ऑफ फोक डांस। सो घूमरा इज एन एंशियंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम उड़ीसा को बिलोंग करता है घूमरा डांस। एज पर द एंशियंट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट घूमरा वॉज अ वॉर डांस ऑफ गॉड्स एंड डायमंड्स। तो वॉर डांस ऑफ गॉड्स एंड डायमंड्स कौन सा है? घूमरा। ये आपने ध्यान में रखना है, बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है। सो सदीरत्तम विच वॉज रिनेम्ड एज भरतनाट्यम। तो देखिए भरतनाट्यम का ओल्ड नेम कभी पूछा जाए सो इट इज सदीरत्तम इन 1932 इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ट्रेडिशन इन इंडिया। भरतनाट्यम इज द स्टेट डांस ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का स्टेट डांस भी है भरतनाट्यम, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसका ओल्ड नेम काफी इंपॉर्टेंट है सदीरत्तम सदियारत्तम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा अ स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डांस है, स्पोर्ट डांस है जिसका नाम है थोड़ा। थोड़ा स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहू। तो बिहू एक काइंड का फोक डांस है ऑफ असम जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये काइंड का पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस है यानी पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट होने के बाद इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है और ये टाइप का फोक डांस है बिहू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विदेशिया। तो विदेशिया एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है बिहार स्टेट का, ये आपने ध्यान में रखना है। द डांस फॉर्म विदेशिया इज वेरी फेमस अमंग द नेटिव्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस इन बिहार, ये आपने ध्यान में रखना है विदेशिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिहू विच इज द डांस फॉर्म ऑफ असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भोटल एंड धुलिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो भोटल एंड धुलिया दीज आर ऑल्सो द फोक डांसेज ऑफ असम। इसके अलावा बिहू भी एक इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो सत्रिय नृत्य। भोटल एंड धुलिया आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांसेज इन द स्टेट ऑफ असम। भोटल डांस इज बिलीव टू हैव बीन डेवलप्ड बाई नरहारी बुरहा डिवोटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डांस परफॉर्म बाय द बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि छम डांस। सो छम डांस इज अ काइंड ऑफ फोक डांस विच इज परफॉर्म बाय द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स यानी कि जो बुरी आत्माएं हैं उनको एक तरीके से भगाने के लिए जो डांस परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज छम डांस। सो छम डांस इज परफॉर्म बाय द बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। द रिचुअल इज परफॉर्म फॉर द ग्रेटर गुड
गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड स्पिरिट्स एंड द मॉरल इंस्ट्रक्शन टू व्यूअर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंगमल इज एसोसिएटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा. सो द डांस तरंगमेल और तरंगमल इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गोवा, एंड गोवा इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विथ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन. सो तरंगमेल इज अ फोक डांस ऑफ गोवा दैट सेलिब्रेट्स द यूथफुलनेस ऑफ द रीजन. इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशहरा एंड होली. तो दशहरा और होली के टाइम पर जिस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है गोवा में, इट इज़ नोन एज तरंगमेल. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In which state the Daskathia dance is performed? Right answer हो जाएगा option number A, यानी कि ओडिशा. तो ओडिशा state में जो Daskathia dance form है, इसको perform किया जाता है. Daskathia is a folk performance art from the Indian state of Odisha. It is a form of narrative singing preferred by a duo. तो basically दो लोग मिलकर इस Daskathia dance form को करते हैं, जो असम को belong करता है. The primary performer uses a Daskathi, a wooden piece artistically carved and colored at both the ends to ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. तो इसमें एक पीस ऑफ वुड को यूज किया जाता है जो दोनों तरफ से कार्व्ड होती है और कलर्ड भी होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ मेघालय. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहो. तो लाहो इज अ काइंड ऑफ फोक डांस बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ मेघालय. लाहो डांस इज अ फोक डांस ऑफ मेघालय. दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिविटीज, जोवियल एटमॉस्फेयर एंड म्यूजिक. द ट्राइबल कम्युनिटीज गैदर अप इन ग्रुप्स टू सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. तो इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज ग्रुप्स फॉर्म करती हैं लाहो डांस फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए. लाहो डांस फॉर्म इज वेरी फेमस द पनार ट्राइबल कम्युनिटी इन मेघालय. तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है मेघालय के पनार ट्राइबल कम्युनिटी, ये बेसिकली लाहो डांस को परफॉर्म करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लीला सैमसन इज एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतनाट्यम. तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसको एसोसिएट करती है लीला सैमसन. लीला सैमसन इज अ भरतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर एंड अ राइटर फ्रॉम इंडिया. एज अ सोलोइस्ट शी इज नोन फॉर हर टेक्निकल वर्चुअसिटी एंड हैज़ टॉट भरतनाट्यम एट श्री राम भारतीय कला केंद्र इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स. तो लीला सैमसन ये काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर और भरतनाट्यम डांसर हैं, और इन्होंने जो भरतनाट्यम है ये टीच कर रखा है ऑल्सो इन द श्रीराम भारतीय कला केंद्र जो दिल्ली में सिचुएटेड है. ये आपने ध्यान में रखना है. काफ़ी फेमस डांसर है भरतनाट्यम की, जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोपर. सो पोपर इज अ काइंड ऑफ फोक डांस बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. पोपर डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. द गालो ट्राइब फॉर इट्स इज पॉपुलर फॉर इट्स डांस फॉर्म दैट इज पोपर डांस. तो पोपर डांस के लिए गालो ट्राइब फेमस है अरुणाचल प्रदेश में. द पॉपुलर डांस इज specialty for tribes and a must watch dance for the audience. It is mainly performed by the female members. तो basically female members perform करती हैं जो ये popular dance form है अरुणाचल प्रदेश का. जो गालो tribe की female members हैं वो perform करती हैं इस dance को. नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तन थुल्लल इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला. तो केरला में फेमस है ये डांस फॉर्म जिसका नाम है उत्तन थुल्लल एंड इट इज पॉपुलर इन केरला. उत्तन थुल्लल इज अ काइंड ऑफ डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस फॉर्म ऑफ केरला. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी बाय कुंचन नाम्बियार, वन ऑफ द प्राचीन काव्यथियरम. सो बेसिकली इट वॉज दिस डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कुंचन नाम्बियार. ये आपने ध्यान में रखना है उत्तन थुल्लल, और ये कहाँ फेमस है, केरला में ये डांस फॉर्म फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात. तो गुजरात का एक फेमस डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, दैट इज़
भवाई. सो भवाई इज अ जेनेयर ऑफ फोक डांस पॉपुलर इन द राजस्थान एंड गुजरात स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. तो राजस्थान और गुजरात में फेमस है ये डांस फॉर्म भवाई. द मैन फॉर दीज कम्युनिटीज ऑफर द म्यूजिक टू दिस डांस यूजिंग स्ट्रिंग एंड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. तो स्ट्रिंग्स और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से जो मैन होते हैं इन कम्युनिटीज के, वो प्रोवाइड करते हैं म्यूजिक. एंड बेसिकली द डांस इज परफॉर्म बाय द फीमेल्स, भवाई डांस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास डस पद्म भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग टू. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, जयपुर अतरौली घराना. तो देखिए, जयपुर अतरौली घराना को बिलोंग करते हैं पद्म भूषण अवार्ड विनर किशोरी अमोनकर. तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. किशोरी अमोनकर वॉज एन इन्वेंटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जयपुर घराना एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन द इंडियन क्लासिकल वोकल हेरिटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जय महाराष्ट्र माझा विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा बाधे. तो राजा बाधे इन्होंने लिखा है इस फेमस फोक सॉन्ग को जिसका नाम है जय जय महाराष्ट्र माझा. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जय जय महाराष्ट्र माझा एज द स्टेट सॉन्ग. द सॉन्ग वॉज अडॉप्टेड ऑन फेब्रवरी 19, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज. तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी में इसको अडॉप्ट किया था इस सॉन्ग को, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार. तो बिहार में ओरिजिनेट हुआ है ये झिझिया डांस. सो झिझिया इज अ फेमस कल्चरल डांस ऑफ बिहार रीजन. इट इज मोस्टली डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दशहरा के टाइम पे होता है, किया जाता है बेसिकली इस डांस को बिहार में. वेमेन बैलेंस द लैंटर्न मेड अप ऑफ द क्ले ऑन देयर हेड एंड डांस. तो इस तरीके से जो झिझिया डांस है ये परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर एक लैंटर्न को वेमेन अपने सर पर रखकर, जो क्ले का बना होता है उसको रखकर डांस करती हैं, और से बिहार में परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केरला. तो केरला स्टेट को बिलोंग करता है ये डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम, विच इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म. इंडिया हैज अ वेरी रिच कल्चर ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ट्रेडिशनल क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांसेस स्टाइल. दीज इनक्रेडिबल ट्रेडिशनल डांसेज ऑफ इंडिया आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स एंड कंसिडर्ड एज द मदर आर्ट ऑफ द क्लासिकल डांसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाली. तो कोलकाली ये एक टाइप का पॉपुलर डांस फॉर्म है जो लक्षद्वीप आइलैंड को बिलोंग करता है. सो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं. कोलकाली फोक डांस इज रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप. इट इज़ अ फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन साउथ इंडियाज केरला स्टेट रीजन इन नॉर्थ मालाबार में परफॉर्म किया जाता है केरला के. सो देयर आर टू कोलकाली स्टाइल्स, द एक्चुअल कोलकाली एंड द थिकन कोलाडी. सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ कोलकाली स्टाइल. बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोलकाली जो एक डांस फॉर्म है ये लक्षद्वीप आइलैंड में परफॉर्म किया जाता है और कुछ नेबरिंग स्टेट्स में भी परफॉर्म किया जाता है लाइक गोवा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लवानी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र का एक फेमस फोक डांस है लावणी, ये आपने ध्यान में रखना है, जिसको लवानी भी कहा जाता है या लावणी. सो लवानी इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. सो लावणी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस विच इज पर्टिकुलरली परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ ढोलकी एंड अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. लवानी इज नोटेड फॉर इट्स पावरफुल रिदम एंड इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी फोक थिएटर. तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मराठी फोक थिएटर, ये भी आपने ध्यान में रखना. बेसिकली कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, महाराष्ट्र को ये फोक डांस बिलोंग करता है लावड़ी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि डोलू कुनीथा. तो डोलू कुनीथा इट इज़ अ काइंड ऑफ डांस फॉर्म बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका. डोलू कुनीथा इज अ मेजर फॉर्म ऑफ फोक डांस परफॉर्मेंस इन कर्नाटका. द डोलू कुनीथा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विगरस ड्रम बीट्स, क्विक मूवमेंट एंड सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप फॉर्मेशंस. इट इज अकंपनीड बाय सिंगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डांस इज परफॉर्म
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डांस इज परफॉर्म बाय द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाली. सो कोलकाली इज अ काइंड ऑफ डांस विच इज परफॉर्म बाय द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवरात्रि. ये आपने ध्यान में रखना है, कोलकाली डांस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.